ओम शांति। 18 जनवरी विशेष पिता श्री जी के अव्यक्त होने का दिवस। आज के दिन 1969 को ब्रह्मा बाबा संपूर्ण संपन्न बन बाबा की गोद में गए, अव्यक्त वतनवासी बने। ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को 3 विशेष सौगात देके गए, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी। इन 3 शब्दों की स्मृति से ब्राह्मण बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए विशेष स्मृति सो समर्थि दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो यही दिन हम बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप समान बनने की, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख चलने की शिक्षा देता है। इसी दिन के आधार पर इस मास को विशेष अव्यक्ति मास के रूप में हम सब भाई बहन मनाते हैं और सारा विश्व इस दिन को शांति दिवस के रूप में मनाता है। तो आज विशेष हम भाई बहनों को बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। अर्थात विशेष हम बच्चों को पुरुषार्थ मिला कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण करना है। जब अपने को बाबा पर पूरा समर्पण कर देंगे, बाबा का बन जाएंगे, तो हमारा कुछ नहीं रहा, हम स्वतः और सहज हल्के हो गए। इसीलिए बाबा कहते पर दर्शन मुक्त बनो, औरों को नहीं देखो। सी फादर, फॉलो फादर। एक बाप को देखो, एक बाप के कदम पर कदम रख चलो, एक बाप की श्रीमत अनुसार, एक बाप की याद में रहकर हर कर्म करो, तो हल्के डबल लाइट फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे और औरों को भी करा सकेंगे। जिसके लिए विशेष बाबा रोज अटेंशन दिलाते, डीप साइलेंस की अनुभूति करने के लिए एकांतवासी बनो, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, एक बाप पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करो। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दिया, इसके आधार पर ही ब्रह्मा बाबा को विशेष बाबा की मदद मिली और वे संपूर्ण संपन्न बनकर नंबर 1 पद को प्राप्त कर सके। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना है। जिसके लिए बाबा एक सहज बात बताते, बाबा पूछते सबसे सहज बात कौन सी है, जिसको समझने में सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा, वह सहज बात है सदा अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना? स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता है या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ता बन गए। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते, तब मुश्किल हो जाता है। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ
अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले, अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते हो? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहां से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्ट मोह हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फिराक दिल बनो, अगर पुरानी किचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी, इसलिए अपने पास कुछ नहीं रखो। सब कुछ एक बाप के हवाले कर दो और स्वयं हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन, बेफिक्र बादशाह बन, उड़ो और उड़ाते रहो। जिसके लिए बाबा कहते सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया है, पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़ता है। जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ बाप हवाले कर दो। तो दोनों सौदे किए हैं ना, या 1300 मेरा लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे तो नहीं है ना। जब एक शब्द बदल जाता है अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता है तो डबल लाइट हो जाते हो। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हो। तेरा तेरे अर्पण तो सब डबल लाइट, सदा के लिए डबल लाइट, सदा ऊपर उड़ते रहेंगे अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। इसके लिए ही बाबा कहते सभी को विशेष सदा यही स्मृति रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या बोला, बोल क्या, कर्म क्या, स्वरूप क्या, पता है? वह स्वतः ही फरिश्ते रूप से चलते चलेंगे। फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, इसी स्मृति को सदा याद रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो क्या बन गए? हल्के फरिश्ते हो गए ना। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द कि सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं, यह स्मृति में रहे। जहां मेरा आवे तो वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं, यह तो पक्का है ना। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर होने वाले तो नहीं है। अच्छा, बाप दादा कहते आज विशेष स्नेही बाप, अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में सी फादर फॉलो फादर, सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं बनाओ। तो अब यही अभ्यास करेंगे,
एक बाप मिला सब कुछ मिला, जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के मिलने पर अपना सब कुछ अर्पण कर बाबा की हर श्रीमत का एक्यूरेट पालन किया, तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा हूं, जगत पिता जगत नियंता, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूं। संपूर्ण सृष्टि के मालिक पिता परमात्मा की प्रिय संतान संपूर्ण वसुधा की स्वामी हूं। मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ हूं, मैं तीनों लोकों और तीनों कालों का रहस्य जानने वाली त्रिनेत्री आत्मा हूं। ज्ञान का यह तीसरा नेत्र मुझे स्वयं संसार के पिता शिव ने उपहार स्वरूप दिया है। वह स्वयं मुझ पर अति प्रसन्न होकर मुझे संपूर्ण विश्व का मालिक बनाना चाहते हैं। इस समय भोलेनाथ बाबा मुझे सारे विश्व की राजाई देने के लिए स्वयं इस वसुधा पर अवतरित हुए हैं। वह स्वयं मुझे समस्त दुखों और दुविधाओं से मुक्त रहने और सभी को मुक्त करने की युक्ति बता रहे हैं।
बाबा कहते अब मुझ एक बाप को याद करो। खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो। और मुझ निराकार पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर लो। पिता परमात्मा का असीम प्यार पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। वह मुझे दर दर भटकने से बचाने के लिए श्रेष्ठ श्रीमत देते। बाबा कहते खुद को निराकार आत्मा समझ। मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। और जब साकारी देह का आधार लेते देहधारियों के संबंध संपर्क में आते इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख। नंबर वन में आने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, कल विशेष पुरुषार्थ के साथ सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।